हो गया पैकिंग, चलो रूम खाली निकला जाए। पानी की बोतल। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। हम लोग हैं अभी हरिद्वार में होटल ली रोई में, और यहाँ से चेकआउट करके अभी हम लोग निकल रहे हैं नोएडा। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हे गाइस, सो आज हम हरिद्वार से में है, अब होटल से चेकआउट करने वाले हैं और फिर बाद में दिल्ली जाने वाले हैं। सो पापा अभी गाड़ी लेने गए हैं। तो हम लोग हरिद्वार से निकले हैं 9 बजे और नोएडा एग्जैक्टली 200 किलोमीटर है यहाँ से। तो गूगल के अकॉर्डिंग 3 घंटे 20 मिनट लगना चाहिए, तो 12:20 या 12:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। और हरिद्वार में अब तो इधर 6 लेन सड़क है, तो इधर से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी हम लोग रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड वाला एरिया जो है वो क्रॉस किए हैं, चिप्स खाते हुए चल रहे हैं। और यहाँ टॉल लगा 85 का। हमारे दाहिने तरफ है ऑडिटोरियम पतंजलि विश्वविद्यालय, और आगे भी कुछ है, पूरा ये बाबा का एरिया है। ये बाएं तरफ है पतंजलि अनुसंधान संस्थान, मतलब रिसर्च सेंटर। ये दवा वगैरह बनाते हैं ना आयुर्वेदिक, उसका रिसर्च करते होंगे। और ये राइट साइड रुड़की वाला कट है। हम लोग अभी रुड़की बाईपास पर हैं, और अब यहाँ से और 180 किलोमीटर जाना है अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग सुबह हरिद्वार से हल्का फुल्का कुछ खाकर निकले थे, हर की पौड़ी गए थे सुबह, वहाँ कचौड़ी खा ली थी, और अब कहीं आगे चाय पीने के लिए रुकेंगे हम लोग। अच्छा, चाय पीने की कुछ खाना भी है लवी? हाँ? तुमको कुछ खाना है? नहीं, कचौड़ी खा लिया है। ठीक है, चाय पियेंगे। चलो, ये आ गया उत्तराखंड बॉर्डर। और जब हम लोग नोएडा से हरिद्वार जा रहे थे तो परसों हम लोगों को यहीं से पुलिस ने वापस कर दिया था, और आज कोई पुलिस नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, शायद कांवड़ यात्रा की वजह से। और फिर ई पास भी नहीं था उस समय, तो ई पास लेकर के बनवा करके हम लोग देवबंद होकर के गए थे। तो वो रोड ट्रिप जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप थी, और हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हुआ था, तो वो आप पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ। तो फिलहाल हम लोग अब उत्तराखंड से निकल गए और उत्तर प्रदेश में इंटर कर गए। सड़क बिल्कुल अच्छी है, स्मूथ है, 4 लेन है। अब यहाँ से मुजफ्फरनगर है 32 किलोमीटर, दिल्ली है 159। राम रसोई फैमिली ढाबा, यहाँ हम लोग अभी रुके हैं और यहाँ चाय पियेंगे। बाबू गाड़ी में ही है और हीना गई है ऑर्डर देने चाय का, और मैं गाड़ी साफ करूँगा, गाड़ी बहुत गंदी हो गई है। गाड़ी ठीक ठाक साफ हो गई है। हम लोग रुके हैं यहाँ मुजफ्फरनगर के आसपास हैं, चाय पियेंगे और चाय पी के यहाँ से हम लोग निकलेंगे। चाय बहुत ज़्यादा मीठी थी यहाँ की, तो हम लोगों ने एक एक घूट पी करके ही छोड़ दिया।
चलते हैं आगे, कहीं रुकेंगे। अरे ये तो रह गया ना, इसको गिरा ले। और ये हरिद्वार से आने के बाद दूसरा टोल प्लाजा। इधर भी किसान आंदोलन का असर दिख रहा है और टोल लेकिन चालू है। स्टॉप्ड हियर फॉर ए स्मॉल ब्रेक। और यहाँ से दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली और 140 किलोमीटर होगा। आगे गणपति टूरिस्ट ढाबा है, जाते समय हम लोग रुके थे, वहाँ भी रुकेंगे हम लोग, वॉशरूम यूज़ करना है। और हाईवे एज यूजुअल जैसा दिख रहा है, एकदम स्मूथ है वेस्टर्न यूपी में। अच्छा, पीछे वो टोल प्लाजा पे कुछ किसान तो बैठे हुए थे, पुलिस भी थी, बट टोल चालू था। टोल लग रहा है इस रोड पे अभी भी। बाबू कुछ बोलो। हेलो। मुजफ्फरनगर हम लोग बाईपास कर रहे हैं और अब तो रुकने का कोई खास इरादा नहीं है, सीधा ही जाएंगे आगे। अभी मेरठ आएगा और उसके बाद एक्सप्रेसवे। इतनी मेहनत से हम लोगों ने गाड़ी साफ किया था और फिर बारिश हो रही थी। अभी हम लोग मेरठ पहुंचे नहीं है, मेरठ पहुंचने वाले हैं जैसे, तो बारिश तेज होती जा रही है। और ये तीसरा टोल प्लाजा हरिद्वार से दिल्ली के बीच में, आई थिंक ये लास्ट होगा। यहाँ 95 का टोल है और यहाँ भी किसानों ने अपना मोर्चा खोल रखा है। हाँ, लेकिन टोल कहाँ बंद हुआ? हम लोग मेरठ क्रॉस कर गए हैं और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं। अब यहाँ से एक घंटे लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बारिश हो रही है अभी भी हल्की हल्की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अभी टोल नहीं चालू हुआ है, तो अच्छा है, पैसे बच जाते हैं। हाईवे ये बड़ा अच्छा बना हुआ है, 6 लेन। तो हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे पर रुके हैं, 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया है। चलिए, हाईवे इतना अच्छा है हरिद्वार से यहाँ तक आते आते कि आदमी गाड़ी चलाते चलाते बोर हो जा रहा है। तो ये कुछ नज़ारा है अभी यहाँ का। और ये मोदी नगर यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद कट है। दिल्ली अभी अप्रॉक्सीमेटली 48 किलोमीटर है यहाँ से। और गाड़ियाँ बहुत फास्ट चल रही हैं इस पे, 100 की स्पीड लिमिट है, तो मैं भी 100 या उससे नीचे ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रेक हो गया, अब चलते हैं। और मेरठ एक्सप्रेसवे पर ऐसे बीच बीच में कुछ कुछ किलोमीटर्स पे ये स्पीड नापने वाले डिवाइसेस लगे हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे पे बाइक्स अलाउड नहीं है, तो इक्का दुक्का दिख रही हैं क्योंकि अभी टोल चालू नहीं है। और ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वाला कट है। यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ करके पलवल की तरफ जा सकते हैं। दिल्ली का एक तरीके से नया बाईपास है और आगे बोर्ड भी लगा है। सोनीपत की तरफ जाना होगा या चंडीगढ़ की तरफ, तो दाहिने की तरफ।
उसका कट यहाँ से है। और यहाँ भयानक ट्रैफिक जाम है दिल्ली पहुँचने से पहले। गाजियाबाद में है ना हम लोग क्रॉसिंग रिपब्लिक एरिया में है और अब नोएडा की तरफ जा रहे हैं।